आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। हरियाणा की सरकार फसल विविधीकरण योजना को विस्तार दे रही है। अभी तक किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसके पीछे का उद्देश्य पानी बचाना था और एक ही फसल से किसानों की निर्भरता कम करने की थी। अब राज्य सरकार फसल विविधीकरण को सिर्फ धान तक ही सीमित नहीं रखना चाहती है। किसानों को अब खरीफ सीजन में बाजरा की जगह दलहन और तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसा करने पर किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 4,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अभी बाजरे की जगह दलहन और तिलहन की खेती करने की योजना को पूरे राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। शुरुआती तौर पर ये 7 जिलों के लिए ही है। वहीं हरियाणा के इन दक्षिणी जिलों में किसान बड़े पैमाने पर बाजरा की खेती करते हैं। कृषि विभाग के मुताबिक फसल विविधीकरण योजना के तहत भिवानी, वहीं चरकी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार और नू में बाजरा की जगह दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इस खरीफ सीजन के दौरान राज्य भर में कम से कम 1,00,000 एकड़ में दलहन और तिलहन की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग को उम्मीद है कि बुआई सीजन पूरा होते होते इस समय लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। वहीं बता दें, इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मूंग, अरहर और उड़द सहित अरंडी, मूंगफली और तिल जैसी फसलों की खेती की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन की MSP अधिक है, ऐसे में खरीद से किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसानों को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और सत्यापन के बाद राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हम किसानों को इन फसलों की नई किस्म और आधुनिक तकनीक की जानकारी भी देंगे। इन फसलों की खेती से सिर्फ किसानों को ही लाभ नहीं होगा बल्कि मिट्टी की सेहत भी अच्छी होगी। जिन खेतों में खरीफ सीजन में दलहन और तिलहन की बुआई की जाएगी, रबी सीजन में उन खेतों से अच्छा उत्पादन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।